साथियों नमस्कार, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई में भी भाई फ्रॉड होने लगा है। ये मत समझना कि दुबई सेफ है, क्योंकि जैसे जैसे ये सोशल सिस्टम बढ़ा है, सोशल मीडिया भी होता है। जी हाँ साथियों, सोशल मीडिया का जब से प्रचलन बढ़ा है, हर आदमी के हाथ स्मार्टफोन है और उसमें इतना ज़्यादा मतलब सिस्टम बढ़ चुका है कि लोग आए दिन ठगी के शिकार होते हैं। दुबई से रिलेटेड मैंने आज से 15 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि भाई दुबई यूएई पुलिस ने एक अपडेट जारी किया है कि फर्जी लिंक आए कोरोना के नाम से, अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कोई भी लिंक को ओपन ना करें, आपके साथ खतरा हो सकता है, आपका पैसा जा सकता है या ऑनलाइन ठगी हो सकती है। तो उससे रिलेटेड आज दुबई गवर्नमेंट ने साथियों ये भंडाफोड़ कर दिया है। वहाँ पे 12 साइबर जो अपराधी हैं उनको पकड़ लिया गया है। तो उनके साथ में क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, पूरी डिटेल से बताऊंगा। और ये दुबई में क्या करने वाले थे, हो सकता है आप में ऐसे इसमें इसके साथ में चपेट में आप आ जाते, उससे पहले इनको कैच कर लिया गया और अभी पुलिस की गिरफ्त में है। आगे बढ़ने से पहले जाऊंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। साथियों बता दूं, 25 जून को दुबई गवर्नमेंट ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनको गिरफ्तार भी एक अलग तरीके से, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से और पूरा सिस्टम बना के अचानक से दावा बोल के इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके मैं बता दूं, इनका इतना बड़ा प्लान था साइबर ठगी करने का, 1,60,00,000 रुपए ठगी करने का प्लान था। बता दूं आपको, लगभग 18 कंट्रियों पे ये अटैक करते। जी हां साथियों, 18 कंट्रियों पे भाई इतना बहुत बड़ी रकम होती है, मैं बता दूं कम नहीं होता। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये करते क्या है, साइबर क्राइम कैसे होता है, आपके व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करना, फर्जी ईमेल करना, आपके पास नौकरी के लिए ईमेल करना, कॉर्पोरेट ईमेल करना, बिजनेस वाली ईमेल करना, ठीक है, बैंकिंग के नाम से कोई मैसेज करना, ऐसे ये मैसेज करते, फर्जी लिंक होते, लिंक पे जैसे आप ओपन करोगे आपका पूरा डाटा उनके पास चला जाता है। वो साइबर हैकर होते हैं, हैकर इतने खतरनाक होते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से आपका सिस्टम को हैक करके आपसे पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा ये करने वाले थे 1,60,00,000 साथियों, और ये 18 कंट्रियों पे ये अटैक करने वाले थे। इससे पहले दुबई गवर्नमेंट ने इनको, दुबई पुलिस ने इनको कैच कर लिया। दुबई पुलिस ने बताया पिछले साल फरवरी में भी 9 लोगों को पकड़ा गया था। ये हैकर साथियों ज्यादातर दुबई में कौन है भाई, इंडिया पाकिस्तान वाले तो कहाँ होंगे, ये अफ्रीका के लोग हैं। जी हाँ साथियों, दुबई में मैंने भी देखा है भाई, काले काले लोग रहते हैं दुबई में, और उनमें से हैकर हैं और ये काम करते हैं, ये अंजाम देते हैं। एक बड़ी बिल्डिंग में सबके सब बैठे थे। इनके पास से मैं बता दूं, लग्जरी कारें बरामद की गई, 21 इनसे कंप्यूटर प्राप्त किए गए, 21 कंप्यूटर जो पूरा एक सिस्टम सेटिंग कर रखा था, 47 स्मार्टफोन इनके पास थे, 15 मेमोरी कार्ड इनसे जब्त किए गए, 5 हार्ड डिस्क इनसे जब्त की गई। जी हाँ साथियों, ये इतना सिस्टम एक पूरे हॉल में इसे सेट कर रखे था, वहां से पूरा ऑपरेट करते 18 कंट्रियों के लोगों पे अटैक करने वाले थे। साथियों आपको ये जानकारी देनी जरूरी थी भाई, साइबर क्राइम बढ़ रहा है इंडिया में, आए दिन ऐसे अकाउंट हैक होते रहते हैं। आपके पास कोई भी अनजान लिंक आए उसको क्लिक मत करना, कोई जरूरत नहीं उसको देखने की। और सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे कौन से लिंक आते हैं, मोदी ने बेरोजगारों के लिए ये लैपटॉप दे रहे हैं, आपको 50 GB डेटा मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है, उसको लिंक को ओपन करो जी। और यहाँ करते मेरे मोबाइल पे रोज के 50 से 100 ऐसे लिंक मैसेज व्हाट्सएप और ईमेल आती हैं, लेकिन भाई हमने तो कुछ नहीं करना, हम तो उसको चेक भी नहीं करते, इसीलिए बच रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी इस बात का ध्यान रखें, आए दिन लोग लूटे जा रहे हैं। बस ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाना जरूरी था, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।